अगर आप भी नई डीजल गाड़ी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि भारत सरकार डीजल गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा सकती है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM कन्वेंशन में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से डीजल इंजन वाले व्हीकल पर एक्स्ट्रा 10% GST लगाने का अनुरोध करने की बात कही। क्या कुछ है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। 63वें SIAM कन्वेंशन में इस बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा कि मैं वित्त मंत्री से डीजल इंजन वाले वाहनों पर 10% GST लगाने का अनुरोध कर रहा हूं। यह चरणबद्ध तरीके से डीजल गाड़ियों को बंद करने का एकमात्र तरीका है। इसके लिए गडकरी ने एक पत्र भी तैयार किया है और GST बढ़ोतरी का अनुरोध करने के लिए वो मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मिलने भी वाले हैं। इसके अलावा गडकरी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कंपनियां अपनी डीजल गाड़ियों का प्रोडक्शन कम नहीं कर देती, सरकार टैक्स बढ़ाती रहेगी, जिससे देश में डीजल गाड़ियां बेचना मुश्किल हो जाएगा। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। गडकरी की स्टेटमेंट के बाद अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयर्स में 2.5% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा स्वराज और स्कॉट्स जैसे ट्रैक्टर कंपनियों के शेयर में भी तकरीबन 3% तक की गिरावट देखी गई। उनकी ये स्टेटमेंट वायरल होने के बाद गडकरी ने सफाई देते हुए कहा कि अभी तक सरकार का डीजल गाड़ियों की बिक्री पर 10% एक्स्ट्रा GST का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना, डीजल के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना, ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि और ग्रीन फ्यूल को वैकल्पिक ईंधन में अपनाना जरूरी है, जो ईंधन आयात के विकल्प, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए। वर्तमान में देश में हर साल 16 लाख करोड़ रुपए तेल के आयात पर खर्च होते हैं। इसके लिए सरकार फ्लैक्स फ्यूल अपनाने पर जोर दे रही है, जिससे ईंधन का आयात कम हो सकेगा और देश के गन्ना और मकई किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। अभी पिछले महीने ही नितिन गडकरी ने भारतीय बाजार में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल को लॉन्च किया था। ये 100% इथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है। देश में डीजल से ऑपरेट होने वाले फोर व्हीलर्स पर 2027 तक बैन लगाया जा सकता है। कुछ महीने पहले ही पेट्रोलियम मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजेक्शन एडवाइजरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डीजल गाड़ियां बंद करने की सिफारिश की थी। इनके मुताबिक 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल गाड़ियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी हो गया है। पोल्यूशन कम करने की दिशा में सरकार डीजल गाड़ियों को बंद कर इलेक्ट्रिक और एथेनॉल वाहनों को बढ़ावा दे रही है। अगर डीजल गाड़ियां बंद होने के बाद भी वाहन मालिक डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ी में अपग्रेड कराना जरूरी हो जाएगा। ऑटोमोबाइल कंपनियां डीजल वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक और CNG किट बनाने पर काम कर रही हैं। अफोर्डेबल होने के कारण सबसे ज्यादा जोर CNG किट पर है। दूसरी तरफ 2035 तक भारतीय बाजार में तेल से चलने वाले सभी 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स वाहनों को बंद किया जा सकता है। तो नितिन गडकरी ने जो स्टेटमेंट दी थी 10% एक्स्ट्रा GST लगाने के डीजल व्हीकल्स पर, वो फिलहाल के लिए विचाराधीन नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें आगे कुछ अपडेट आए, जिसकी जानकारी हम आपको गुड रिटर्न्स के जरिए देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।